और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा आज सुबह 6 बजे से मेट्रो ट्रेन की सेवा भी शुरू कर दी गई है, जिसकी वजह से जो छात्र है वो बेहद खुश भी नजर आए हैं। परीक्षा को लेकर के सुबह 6 बजे से चली है मेट्रो, परीक्षार्थियों को मेट्रो खुलने की वजह से काफी ज्यादा खुशी हुई है। इसके साथ ही सभी स्टूडेंट्स ने मेट्रो प्रशासन का आभार भी प्रकट किया है। तो ये तस्वीरें सुबह सवेरे की दिखा रहे हैं आपको। दरअसल जो मेट्रो की सेवा है वो करीब करीब कुछ स्टेशन पर 6 बजे, कुछ स्टेशन पर 7 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन आज स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और सुबह 6 बजे से ही सभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए थे। ऐसे में छात्रों के चेहरों पर बेहद खुशी। सो इट्स अ गुड थिंग कि मेट्रो 6 बजे स्टार्ट हो रही है, फॉर ट्रैवलर्स इज मोर कन्वीनियंट, बिकॉज काफ़ी बार होता है कि ऐसे कि मेट्रो काफ़ी लेट आती है, ऑल्दो इन ऑन संडे मेट्रो 8 बजे ही स्टार्ट होती है, बट आज 6 बजे हो रही है, तो इट विल बी हेल्प फॉर अ यूपीएससी स्टूडेंट टू रीच द सेंटर अर्लियर। बाकी वैसे भी मुझे लगता है कि जो ये पिंक लाइन है इसे बेसिकली 6 बजे ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि संडे को 8 बजे ही स्टार्ट होती है हरदा में। हाँ, मैंने भी यही सुना है कि मेट्रो जल्दी स्टार्ट होगी और हमें सुविधा होगी एग्जाम में। सरकार की बहुत अच्छी पहल है, आज मेट्रो 6 बजे खुल रही है तो हम आसानी से जल्दी टाइम पर पहुंच पाएंगे अपने एग्जाम सेंटर पे। मेरे को बहुत अच्छा लगा, वैसे मैंने सुना था मेट्रो लेट स्टार्ट होती थी आज यहाँ से जो पिंक लाइन पे थी, लेकिन आज 6 बजे स्टार्ट हो रही है, इसे जल्दी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है, ये बहुत सहूलियत वाली बात है। जो हमें लोग इमीडिएटली जाना पड़ता है उसके लिए बहुत 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 अच्छी बात है ये। वैसे काफ़ी दिक्कत आती थी क्योंकि 8 बजे बहुत लेट हो जाते हैं ना हम लोग, तो इधर उधर जाना पड़ता था। थैंक यू, मैं दिल्ली मेट्रो को धन्यवाद बोलना चाहूँगा।